बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम केरोबोला पेक्टा है। इसमें नारंगी रंग पर काले धब्बे बने हुए हैं। खास रंगों के कारण इस स्तनधारी जीव को पेंटेड बैट या बटरफ्लाई बैट भी कहते हैं। चमगादड़ों की इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इस नेशनल पार्क में होम स्टे की अवधारणा के साथ काम करने वाले समाज सेवी शकौल रिजवी ने 3 दिन पहले पार्क क्षेत्र में घने जंगल के अंदर इस दुर्लभ प्रजाति के जीव को देखा था। बाबे दवा रल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ काम कर रहे पक्षी विज्ञान रवि नायडू ने 2 वर्ष पहले पार्क क्षेत्र से लगे बड़े बोदल में पहली बार इस चमगादड़ को देखा था। इस पर उनका शोध पत्र वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी के जनरल चीतल में भी प्रकाशित हो चुका है। रवि बताते हैं कि रंग बिरंगे प्रजाति के चमगादड़ की यह एकमात्र भारतीय प्रजाति है। ये स्तनधारी जीव सूखे इलाकों, ट्री हाउस, गुफाओं व कंदराओं में पाया जाता है। इसका वजन मात्र 50 ग्राम तक होता है। 38 दांतों वाला ये चमगादड़ सिर्फ कोड़े मकोड़े खाता है। चमगादड़ों की यह प्रजाति भारत, चीन समेत कुछ एशियाई देशों में भी मिलती है। विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति पर निगरानी रखने वाले सर्वोच्च संगठन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने 2015 में जारी विश्व के विलुप्त प्राय प्रजातियों के रेड लिस्ट में इसे रखा है। भारत में इस प्रजाति के चमगादड़ को इससे पहले आंध्र प्रदेश में 2009, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2016, नागपुर महाराष्ट्र में 2016, उड़ीसा में 2017 व गुजरात के बेस्टन घाट के देवकर ताल में 2017 में इसे देखा जा चुका है। कांगेर वैली नेशनल पार्क के निदेशक धमशील गंभीर ने बताया कि भारत में चमगादड़ों की 131 ज्ञात प्रजातियां हैं। इनमें से 20 प्रजातियां बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में देखी गई हैं। इसका प्रजाति का पता हाल ही में चला है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।